दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा आर्थर मिलर का एक प्ले डेथ ऑफ अ सेल्समैन। दोस्तों ये प्ले डेथ ऑफ अ सेल्समैन एक अनसक्सेसफुल बाप और उसके दो अनसक्सेसफुल बेटों की कहानी है। दोस्तों इस प्ले को 1948 में आर्थर मिलर ने लिखा था और 1949 में इसे पब्लिश करवाया गया था। ये इतना सक्सेसफुल प्ले था कि 1949 में इसे पुलित्ज़र प्राइज इन ड्रामा मिला था। सक्सेसफुल का मतलब इसे 20th सेंचुरी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले माना जाता है और आज हम इसी को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। इस कहानी की शुरुआत होती है विली लोमन नाम के एक बूढ़े सेल्समैन से जो ट्रैवलिंग करता है, जो अपनी सेल्स ट्रिप से अपने घर ब्रुकलिन लौटा। दोस्तों 63 साल की एज में अब इसको सैलरी वगैरह तो मिलती नहीं बल्कि ये कमीशन पर जी रहा है और अपनी ट्रिप के दौरान ये लोगों को कुछ भी नहीं बेच पाता। जो भी कमीशन इसको मिलती है उसी पर इसका खर्चा चलता है। इसका एक बेटा है बिफ नाम का जो कि कई सालों से खेतों में काम करता है और अभी रिसेंटली अपने घर पे आया है। अब ये बिफ चाहता है कि ये अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे और इस बिफ का एक छोटा भाई भी है यानी बिली का छोटा बेटा जिसका नाम है हैप्पी, जो कि एक डिपार्टमेंट स्टोर में एक असिस्टेंट बायर के असिस्टेंट का काम करता है। अब दोस्तों किचन में अकेले ये बिली 63 साल का बुढ़ा आदमी बिली ये अपने पुराने दिनों को याद करता है जब वो अपनी बिजनेस ट्रिप से घर लौटता था और उसके दोनों बच्चे हैप्पी और बिफ उसके पास दौड़े चले आते थे और उन दोनों बच्चों के लिए उनका बाप किसी हीरो से कम नहीं था। उस वक्त इनका एक पड़ोसी चार्ली जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और उसका बेटा बर्नार्ड जो कि एक सीरियस स्टूडेंट था, पढ़ने में अच्छा था, विली की अपने इन दोनों पड़ोसी बाप बेटों से थिंकिंग एकदम अलग थी। विली समझता था कि इन दोनों बाप बेटों में नेचुरल स्किल्स जो होती है उनकी कमी है। ये विली ये समझता था कि एजुकेशनल नॉलेज यानी कि जो किताबी ज्ञान जो होता है ना इसकी बजाय आदमी में नेचुरल स्किल्स होनी चाहिए। ये डिग्री वगैरह तो यहीं की यहीं धरी की धरी रह जाएगी और वो अपने दोनों बच्चों बिफ और हैप्पी को यही सिखाता था। लेकिन दोस्तों हालत इस विली और इसकी फैमिली की ऐसी थी कि ये लोग अपने घर के बिल्स तक नहीं भर सकते थे। अब दोस्तों ये चार्ली और विली आज भी पड़ोसी हैं ऐसी बात नहीं है और ऐसा नहीं है कि ये दोनों कट्टर दुश्मन हैं। ये चार्ली विली के घर आता है ये देखने के लिए कि क्या वो ठीक है और ये चार्ली और विली साथ में बैठ करके कार्ड्स खेल रहे होते हैं। तब दोस्तों ये विली अपने मरे हुए भाई अपने डेड ब्रदर बैन की बातें करने लग जाता है जिसने 17 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और अपने डायमंड के बिजनेस के लिए अफ्रीका और अलास्का चला गया था। तब दोस्तों ये चार्ली विली को एक जॉब ऑफर करता है लेकिन विली को पता नहीं किस बात का घमंड है ये जॉब लेने से मना कर देता है। लेकिन इसे चार्ली से पैसा उधार मांगने में कोई शर्म नहीं आती। हर हफ्ते ये चार्ली से पैसा मांगता है अपने घर खर्च के लिए। दोस्तों विली को बहुत पछतावा होता है। वो अपने भाई बैन से खुद को कंपेयर करता है कि काश वो भी अपने भाई के साथ डायमंड का बिजनेस करने चला जाता तो आज उसके परिवार की हालत कुछ ठीक होती। अब दोस्तों इस विली की वाइफ लिंडा ये विली की बिगड़ती हुई दिमागी हालत के बारे में उसके दोनों बच्चों से बात करती है और उन बच्चों को बोलती है कि तुम्हारे फादर ने दो बार सुसाइड करने की कोशिश की है, एक बार कार क्रैश करके और दूसरी बार पता नहीं किस चीज से, तो दो बार सुसाइड करने की कोशिश की है। अब दोस्तों ये सब सुनकर के बिफ कहता है कि वो यही रहेगा अपने पेरेंट्स के पास में और अपने फॉर्मर बॉस बिल ऑलिवर से कुछ पैसे उधार मांगेगा और अपना एक नया स्पोर्ट्स गुड्स का बिजनेस शुरू करेगा अपने भाई हैप्पी और अपने फादर के साथ में। विली अपने बेटे का ये आइडिया सुनकर के बहुत एक्साइटेड हो जाता है और अपने बेटे को बेतुकी सी एडवाइस देता है कि वो किस तरह से लोन मांगे। अब दोस्तों अगली सुबह लिंडा की रिक्वेस्ट पर विली अपने बॉस के पास गया न्यूयॉर्क के ऑफिस में कोई जॉब मांगने ताकि वो अपने घर के आसपास ही रहे और उसे ज्यादा सफर ना करना पड़े।
और उसकी उम्र भी हो चुकी है, तो उसका ज्यादा सफर करना ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों, अभी उसका बॉस फ्रैंक वैगनर तो मर गया था और उसका बेटा उसका बिजनेस संभाल रहा था, जिसका नाम था हार्वर्ड वैगनर। तो उसने विली की ये रिक्वेस्ट मानने से मना कर दिया। विली ने हार्वर्ड से बहुत रिक्वेस्ट की और जरूरत से ज्यादा ही रिक्वेस्ट कर ली, जिससे हार्वर्ड चिढ़ गया और उसने विली को काम से निकाल दिया। दोस्तों, ये विली अब बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था और फिर से पैसा उधार मांगने के लिए चार्ली के ऑफिस में गया, जहां वो चार्ली के बेटे बर्नार्ड से मिला, जो अभी एक सक्सेसफुल लॉयर बन चुका था। और दोस्तों, यहीं विली को याद आता है कि उसका बेटा बिफ भी कभी इस बर्नार्ड के साथ पढ़ा करता था, और ये बर्नार्ड आज सक्सेसफुल लॉयर बन चुका है और बिफ आज कुछ भी नहीं है। वहां विली के दोनों बेटे बिफ और हैप्पी कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं कि वो आज रात को डिनर पर अपने फादर से मिलेंगे। अब विली के आने से पहले बिफ अपने भाई हैप्पी को बताता है कि ऑलिवर ने, उसके बॉस ऑलिवर ने उसे लोन देने से मना कर दिया। फिर हैप्पी बिफ को एडवाइस देता है कि तुम पापा को झूठ बोल देना, ताकि उनकी उम्मीद नहीं टूटे। अब दोस्तों, विली वहां पे आता है और डिनर टेबल पर बैठ करके सबको बताता है कि उसे काम से निकाल दिया गया है। अब दोस्तों, यहीं पर बिफ और विली, इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। विली को अपने पास्ट की मेमोरीज फिर से याद आती है। जब वो लड़खड़ाता हुआ वॉशरूम की तरफ जाता है, तो उसे याद आता है कि उसके बेटे बिफ का हाई स्कूल करियर उसी की वजह से खत्म हो गया था। जब बिफ अपने हाई स्कूल में मैथ्स के एग्जाम में फेल हो गया था, तो वो बॉस्टन अपने फादर को ये बात बताने गया। वहां इसने देखा कि इसका फादर विली एक होटल के रूम में एक वुमेन के साथ था। बिफ, जो अपने फादर को कभी अपना हीरो समझता था, उसकी सारी इमेज खराब हो गई थी। और अब बिफ ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई वगैरह छोड़कर अपने फादर के फुटस्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर दिया था। विली ये बात सोच सोच के बड़ा दुखी होता है। तभी इसके दोनों बेटे बिफ और हैप्पी, ये दोनों दो कॉल गर्ल्स के साथ वहां से चले जाते हैं उस रेस्टोरेंट से। और जब बिफ और हैप्पी वापस घर आते हैं, तो इनकी माँ लिंडा इन पर बहुत गुस्सा करती है कि तुमने अपने फादर के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। बिफ को अपने किए हुए बिहेवियर पर बहुत शर्म आती है और वो अपने घर के बैकयार्ड में जाता है, जहां उसके फादर आधी रात में कुछ बीज बो रहे थे। ये विली आधी रात में कुछ बीज बो रहा था और इसका जो भाई था बैन, जो 17 साल की उम्र में डायमंड के बिजनेस के लिए अलास्का चला गया था, उसके भूत से बात कर रहा था। अब दोस्तों, इस विली के दिमाग में क्या चल रहा है, इसके दिमाग, इसका प्लान क्या है कि जिंदगी भर तो ये अपनी फैमिली के लिए कुछ कर नहीं पाया, और अगर ये मर जाता है तो इसके इंश्योरेंस के पैसे लगभग $20,000 इसकी फैमिली को मिल जाएंगे। ये अभी सोच रहा है इस प्लान के बारे में, तभी इसका बेटा बिफ यहां पर भी आकर के इसके साथ आर्ग्यूमेंट कर लेता है कि आपने जिंदगी भर हम दोनों भाइयों को झूठे सपने दिखाए पिताजी। बिफ बोलता है, ना तो मैं और ना ही आप, हम दोनों में कोई भी ग्रेट क्वालिटीज नहीं है, और आपको भी ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और ये अमेरिकन ड्रीम को छोड़ देना चाहिए और रियलिटी में आ जाना चाहिए। इतना बोलकर बिफ वहां से रोता हुआ चला जाता है। दोस्तों, ये विली फैसला कर लेता है कि वो अपने बेटे और अपनी फैमिली के लिए खुद की जान दे देगा। वो अपनी गाड़ी लेकर के जाता है और अपना एक्सीडेंट करवा लेता है। अब दोस्तों, विली के फ्यूनरल में इसकी खुद की फैमिली और चार्ली और उसका बेटा बर्नार्ड आए थे। दोस्तों, बिफ अभी भी सोचता था कि उसके फादर एक अनसक्सेसफुल आदमी थे, उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया और उनकी डेथ भी बिना किसी वजह से थी। जबकि दोस्तों, विली का पड़ोसी चार्ली विली को एक सेल्समैन समझता था, जिसने अपनी जरूरतों के लिए अपने सपनों का सौदा कर दिया। जबकि दोस्तों, विली की वाइफ लिंडा ये सोच रही थी कि विली की डेथ ने उनके सारे कर्जे चुकते कर दिए, इंश्योरेंस के पैसों से सारे कर्जे चुकते हो गए, उनका घर भी बच गया, लेकिन अब उस घर में रहने वाला कोई नहीं। तो दोस्तों, ये प्ले हमको क्या सिखाता है कि प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम लोग किताबी नॉलेज को एकदम ही बेकार समझने लग जाएं। रियलिटी और इल्यूजन में कुछ फर्क होता है। ड्रीम देखना अच्छी बात है, लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट पे जाकर के अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेना कोई प्रैक्टिकल बात नहीं।